इस हॉस्पिटल का नाम सोनी बर्न हॉस्पिटल है और मेरा नाम डॉक्टर रजत सोनी है। मैं यहाँ पे एज अ बर्न स्पेशलिस्ट, मतलब जो कि जले हुए मरीजों का इलाज करने में माहिर वो हूँ। और अमूमन आपने ये नाम सुना नहीं होगा कि बर्न हॉस्पिटल, सोनी बर्न हॉस्पिटल, इस तरह से हमने रखा है इसका नाम, क्योंकि जले हुए मरीजों के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल एक भी पूरे हरियाणा में नहीं है। हरियाणा के बाकी स्टेट्स में भी इस तरह से डेडिकेटेड प्राइवेट सेटअप है ही नहीं, मिलते नहीं, क्योंकि इसका इलाज एक तो काफ़ी मुश्किल है और थोड़ा तकनीकली थोड़ा सा मुश्किल होता है करना इलाज। तो आज से 20 साल पहले हमारे पिताजी जो हैं वो हरियाणा के सबसे पहले प्लास्टिक सर्जन हैं, डॉक्टर एस के सोनी, जिन्होंने इसकी संस्थापना की थी और इसको जो चलाया, और काफ़ी नाम है उनका पूरे हरियाणा में। और पहले प्लास्टिक सर्जन होने के बाद उन्होंने जब देखा कि जले हुए मरीज़ों के इलाज के लिए लोगों को बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो एक हमने सेटअप स्टार्ट किया जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में जले हुए मरीज़ों का इलाज करना शुरू किया। क्योंकि जले हुए मरीज़ अमूमन तौर पर मेडिकल कॉलेज में या कहीं और जगहों पर निगलेक्टेड होते थे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता था उनको संभालना, दर्द इतना अधिक होता था और चीज़ें, क्योंकि जलने के पश्चात आदमी को, हम सबको या पूरे देश में कि ये मानना है कि थोड़ी सी चमड़ी ही तो जली है डॉक्टर साहब, और क्या है इसमें, मगर ये नहीं ज्ञान किसी को कि जो चमड़ी है वो हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। सारे शरीर का टेम्परेचर हमारी चमड़ी कंट्रोल करती है, बॉडी का सब कुछ जो है, नमक का बैलेंस, पानी का बैलेंस, सारा चमड़ी कंट्रोल करती है। ये एक बॉर्डर है हमारे शरीर का। अब अगर किसी देश का बॉर्डर अगर 40% या 20% टूट जाए तो दूसरे देश से टेररिस्ट और वो सब अंदर घुस जाएंगे और अटैक कर देंगे। तो उस परिस्थिति में सिर्फ बॉर्डर पर अटैक नहीं हो रहा है, उस परिस्थिति में आपका जो सेंटर है, दिल्ली हो गया, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, सब जगह पे एक आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि दिल, दिमाग, फेफड़े, इन सब पे असर आता है यदि आपका शरीर 10% या 20% से ज़्यादा जल जाए तो। तो इस स्थिति में आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और आपको तुरंत ही तुरंत किसी अच्छे अस्पताल में जहाँ पर थोड़ी सुविधाएं उपलब्ध हों जले हुए मरीजों से रिलेटेड, वहाँ पर जाकर इलाज कराना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे मानना है, बहुत से मरीज ऐसे आते हैं कि थोड़ा सा जैसे चाय गिर गई गर्म पानी से या कुछ तेल गर्म गिर गया उस टाइम पे, तो ये लोग जो हैं घर में पड़ोस में दी हलवाई की दवाई लगा ली थी जी, हमने तो 4 दिन हमने तो टूथपेस्ट लगा लिया था, ये सब धारणा है। अब इंसान बहुत ऊपर जा चुका है, इंसान चांद पे पहुंच गया, क्या हम अभी भी उन पुरानी रीतियों को अपनाएंगे जो पहले हुआ करती थी? इससे अच्छा तो आप अच्छे अस्पताल में जाकर कहीं पर भी आप ड्रेसिंग करवाएँ, पट्टी करवाएँ, और स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आएंगे तो बहुत नई नई चीज़ें उपलब्ध हैं। जैसे नकली चमड़ी हमारे पास अवेलेबल होती है, हम वो सारा मरा हुआ जो हिस्सा है उसको हटा के वहाँ पर साफ़ करके और साफ से अच्छी सी चमड़ी लगा देते हैं नकली, जो कि उतरती तब है जब तक नीचे से जख्म ठीक होने लगता है। ये मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो बहुत ज़्यादा गहरे और बहुत ज़्यादा नहीं जले हुए हैं, जो ज़्यादा जले हुए मरीज हैं डेफिनेटली उनको अस्पताल में एडमिट करके ही उनका इलाज संपूर्ण रूप से किया जा सकता है। और वो भी बेहतरी इसमें है कि वो अस्पताल में आके जल्दी ठीक हो जाएंगे। कारण ये है कि जो आपकी परत की चमड़ी की 5 परतें गहराई जली होती हैं, उनमें से यदि 3 परतें जल जाएं या 2 जल जाएं तो आपको इलाज की आवश्यकता होती है। अब उस स्थिति में अगर आप ये हलवाई की दवाई या कहीं आसपास में कुछ छोटे किसी डॉक्टर से या किसी गांव में वैद्य से इलाज कराएंगे तो वो 3 परतें या 2 परतें जो हैं वो 3 से 4 पे चली जाएगी और 4 से 5 पे चली जाएगी। उसके बाद फिर हमें ऑपरेशन करने की परिस्थिति पैदा हो जाएगी जिसमें हमें चमड़ी लगानी पड़ती है, चमड़ी लगानी पड़ती है, समय लंबा हो जाएगा, निशान गंदा पड़ेगा, तो आपकी स्थिति सुलझने और सुधरने के बजाय वो और थोड़ी सी विकराल रूप धारण कर लेती है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है। और फिर दूसरी जो समस्या सबसे बड़ी खड़ी होती है, जैसे कि जख्म थोड़ा सा है, थोड़ा सा जख्म होने के बाद अगर आप उस पर करा रहे हो जी ठीक हो जाएगा, छोटा सा जख्म, मान लो ये सिर्फ उंगली जली, अब ये उंगली दाएं हाथ की वो उंगली है जिससे आपने सारी उम्र आप पेन पकड़ना है, काम करना है, सब कुछ करना, इस पर अगर जला हुआ इस साइड का हिस्सा है, मान लो वो 0.1% है, थोड़ा सा ही है, तो वो थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ही जलने के बाद अगर आप इलाज ढंग से नहीं किया तो ये उंगली ऐसे के बजाय ऐसे हो जाएगी। जख्म तो ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, परंतु क्या रह गया, एक उंगली मुड़ी हुई जो कि किसी काम की नहीं। अब ना आप इसे पेन पकड़ सकते हो, ना कुछ और काम कर सकते हो, मात्र सिर्फ पट्टी से जो चीज़ ठीक हो सकती थी उसके लिए आप जो है समझें कि मरीज ऐसी दुर्दशाओं में आते हैं। एक बार इधर दिखाएं ज़रा, ये हमारी संस्था है जो कि गरीब मरीजों के लिए बनी है, बर्न हीलिंग फाउंडेशन, यहाँ पे हम गरीब मरीजों को फ्री इलाज करते हैं, 1 रुपया नहीं लगता है यहाँ पे,
मगर लेकिन ऐसी स्थिति तक आ जाते हैं, वो बच्चा देखो जो उसका हाथ भी नहीं उठ रहा है, दूसरी लड़की ये मेरे पास सिक्किम गैंगटॉक से आई थी, टांग भी सीधी नहीं होती, तो ये चीज़ें हम रोज़ देखते हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं, मगर समाज में अभी इसकी धारणा नहीं है। जैसे हमारी ये संस्था है, ये इतना कुछ गरीब मरीजों के लिए कर रही है, परंतु जले हुए मरीज की इतनी अवेयरनेस नहीं है कि लोग इस बारे में समझें या दान करें या काम करें या मदद करें। ऐसी अभी स्थिति लोगों की मानसिकता नहीं बनी है। अगर कोई फिल्म एक्टर आएगा या कुछ और आएगा क्राई चाइल्ड, बच्चों को पढ़ाने के लिए, इनकी शादियां कराने के लिए, उसके लिए लोग तुरंत पैसे दे देंगे, अगर इसके लिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि दिमाग में इमेज ही नहीं है, ना उनको ज्ञान है, ना उनको पता कि भी कितना डैमेज इंसान को हो सकता है इस परिस्थिति में। ये मैं सिर्फ एक्सीडेंटल बात कर रहा हूँ जो केसेस होते हैं उनमें, जो बाकी और बड़े होते हैं जैसे किसी लड़की पे तेजाब गिर दिया या किसी लड़के पे गिर गया या कुछ और हो गया, उसमें चेहरे की विकृति, चेहरा ख़राब होना, तो बर्न्स केवल बर्न्स नहीं है, हम यहाँ पे मेन प्लास्टिक सर्जरी का बाकी काम भी करते हैं, जैसे कि भी आपका कान ठीक करना है, उसको सुंदर बनाना है, नाक को सुंदर बनाना है, निशान है चेहरे पे कोई, जैसे वो दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको बुरा ज़रूर लगेगा देखने में ऐसी इमेजेस, मगर ये जैसे अगर आप देखेंगे तो ये ऑपरेशन से पहले इतनी चोट लगी हुई है और ये बाद में लगभग निशान ना के बराबर है, तो ये हमारे किए हुए काम में और बाकियों के किए हुए काम में इतना अंतर आ जाता है कि भी आपको बाद में परेशान नहीं होना पड़ता कि निशान कैसे पड़े हुए हैं और क्या होगा बाद में। इस तरह से काफ़ी अच्छा हो जाता है देखने में, जैसे ये होंठ पे चोट लगी है, अब आप अगर उसको ध्यान से देखें तो कितना गंदा निशान, कितना होंठ का लॉस हो चुका है, मगर करने के बाद ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरह से जो है ये हम करते हैं यहाँ पे रिपेयर। बहुत सारी इंजरीज हैं, आप धारणा ही है कि जैसे जला हुआ मरीज है तो यहाँ पे जले हुए मरीज का इलाज होगा, हमारे पास मरीज आते हैं विभिन्न प्रकार के, जिनके पैर ट्रक के नीचे आ गए हैं, कोई हाथ कट गया है कहीं से, कुछ और हो गया, तो बेसिकली ट्रॉमा जो है मेन ट्रॉमा, उसमें मैनेजमेंट उसकी, उसको कैसे अच्छे तरीके से मैनेज किया है, वो सारा काम इस हॉस्पिटल में किया जाता है। ट्रॉमा मैनेजमेंट भी हम करते हैं, बेहतरीन किस्म से करते हैं, जिसमें निशान कम से कम पड़े और फंक्शनैलिटी, ताकि आदमी का काम जो है वो संपूर्ण रूप से काम कर पाए और उसको अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पाए, ताकि उसको अपनी जो काम की वजह से जो उसको एक्सीडेंट में लॉस हो उसकी वजह से अपनी जॉब ना चेंज करनी पड़े, वो मेन काम को वापस से कर पाए। तो इस तरह से ये होता है। बाकी जो अब मान लो फ़र्ज़ करो कि भी आपने कहीं और इलाज करा लिया और आपके निशान भी पड़ जाते हैं, चेहरे पे निशान पड़ गया या कुछ और पड़ गया, तो आप इस तरह से देखिए, अब जैसे ये निशान है चेहरे पे, निशान को हम हटा सकते हैं, इसको हटाया जा सकता है। तो दिस इज़ व्हाट वी डू, इज़ रिमूविंग द स्कार एंड मेकिंग पर्सन मोर लुकिंग मोर ब्यूटिफुल एंड इस तरह से जो है हम कर सकते हैं बाद में, ताकि देखने में बड़ा अच्छा लगे। और सिर्फ ये निशान ही नहीं, और भी हम कॉस्मेटिक्स में काफ़ी चीज़ें करते हैं, जैसे चेहरे का जो है पतला करना नाक को, और शरीर में बाकी जगहों पे जहाँ पे चर्बी थोड़ी अधिक मात्रा में इकट्ठी हो गई है उसको भी हम कम करते हैं। और सौंदर्य के लिए अब सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास सबसे अच्छी मशीन हिसार की हरियाणा की जो है वो है हेयर रिमूवल की मशीन, जिससे हम परमानेंट बालों को हटा देते हैं, वो धीरे धीरे करके आपके बाल आएंगे ही नहीं दोबारा, और उसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इस तरह से हम करते हैं, इस तरह से वो जो मैं उस टाइम पे भी बता रहा था जले हुए मरीज़ के जो हैं, इस तरह से ये निशान पड़ गया है, गंदा लगेगा देखने में, फिर जलने के बाद है वो कोई हुई विकृति है, ऐसा चोट लगने के बाद भी हो सकता है, सिर्फ जलने के बाद नहीं, तो उसका जो है हम उसको नॉर्मल लाने की काफ़ी कोशिश करते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। ये बचपन से जुड़ी हुई उंगलियाँ हैं, इनको अलग किया हुआ है, इस प्रकार के विभिन्न किस्म के ऑपरेशन जो है हम यहाँ पर करते हैं। ये पेट पतला करने के लिए है सर्जरी, और इसके साथ जो है हमारे पास हॉस्पिटल में जैसे आपने देखा कोलेसिस्टेक्टमी, लेप्रोस्कोपी की भी सुविधा उपलब्ध है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज जो हैं, जैसे पित्ते की थैली की सर्जरी है या अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, ये सब भी हमारी टीम द्वारा किया जाता है। यहाँ पे हमारी टीम है डॉक्टर्स की, जो जनरल सर्जरी का मेन काम है उसको देखती है, जैसे बवासीर है, बकंदर है, फिशर है, ये सब चीज़ें भी हम अच्छे से करते हैं एज़ कम्पेयर टू। हमारा एक ही उद्देश्य है कि मरीज़ का इलाज अच्छा हो। आजकल आपको कॉरपोरेट हॉस्पिटल मिलते हैं जहाँ पे पैसे के लिए सब जगह काम होता है, मगर इस जगह पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो है हमारा उद्देश्य ये होता है कि मरीज जो है वो सेटिस्फाइड जाए, उसको ऐसा नहीं लगे डर आके कि मैं हॉस्पिटल में आ गया और वो डर गया देख के, पता नहीं कैसी जगह मैं पहुँच गया और पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। नहीं, यहाँ पर आने कर बिल्कुल आपको एक अच्छा सा माहौल लगता है एंड यू फील वेरी कम्फर्टेबल एंड इट्स वेरी फ्रेंडली कि भी आप लोग यहाँ पे आके इलाज करा के जाते हैं, तो एंड दे फील हैप्पी, मतलब जस्ट you feel like that you are in a home but you are in a hospital, so that gives a very good feeling to you guys, so I hope that
आप इसको देखेंगे। और हमारी वेबसाइट है sonyburnhospital.in, www.sonyburnhospital.in, उस पर भी आप जा सकते हैं आप हमें। और ज़्यादा हमने अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वो नहीं बनाए हैं, वो क्योंकि इतना हमें समय नहीं मिल पाता कि हम वहाँ तक जाएं। और इसके लिए तो हो सकता है कि भी आप लोगों को पसंद आए, सब कुछ अच्छा लगे, आप लोग हमें फीडबैक देंगे, तो हो सकता है हम उसमें भी आगे इसको प्रमोट करें और जितना मदद हो सके। और मेरी ये लास्ट में रिक्वेस्ट है, किसी भी गरीब, आप भी मदद कर सकते हैं किसी भी गरीब मरीज़ की जो कि आपके अड़ोस में पड़ोस में कहीं भी मिले। हमारी संस्था है, एक बार मैं उसको दोबारा हाईलाइट करना चाहूँगा संस्था को, ये संस्था है जो कि गरीब मरीजों के लिए फ्री इलाज करती है, इनसे मुफ्त एक रुपया नहीं लिया जाता है। डॉक्टर आर बी आहूजा द्वारा स्टार्ट की गई संस्था है, वो CEO है, दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में है, जो कि इन मरीजों के लिए वहाँ से पैसा मुहैया और उपलब्ध करवाते हैं और हम इन मरीज़ों का मुफ्त इलाज करते हैं जिनकी जलने के बाद हाथ जुड़ गया, उंगली जुड़ गई या कोई भी नुकसान उनको हो गया है, उसकी हम कोशिश करते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रीटमेंट दिया जाए और नए जीवन की वो दोबारा से अपना चला सकें।